अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हमारे इस तेलंगाना स्टेट में और हैदराबाद और रंगारेड्डी इलाकों में मुसलसिल कब्रिस्तान में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर भी खुली जमीन दिखी वहां लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा किया, इसीलिए आए दिन दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। यही परेशानियों को देख कर मोहम्मद खादर नामी एक शख्स जिसका जमीर जागा और उन्होंने अपनी आखिरियत को देखते हुए चीफ मिनिस्टर को कम्प्लेंट की, उसके बाद राजेंद्र नगर MLA को भी कम्प्लेंट की और कई अहदेदारों को भी कम्प्लेंट, बावजूद इसके कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि मैलारदो पल्ली इलाके में एक कब्रिस्तान है, लेकिन वहां पर बोर्ड पर वहां की कमेटी ने लिख दिया कि बड़ी अफसोस से हम ये कहना पड़ रहा है कि यहां पर आप दफनाने के लिए कोई बात ना करे, ना ही तो कोई आए, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है, जहां पर बड़े बड़े वादे और दावे करने वाले वक्फ बोर्ड के अहदेदार तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो आकाफ की जायदादों का तहफ्फुज करने के वादे करने वाले, जरा देखें एक नजर कि किस तरह से यहाँ पर कब्रिस्तानों के लिए जगह नहीं है। जरूरत है कि जहाँ कहीं भी हुकूमत की जमीन हो या वक्फ की जमीन हो, फौरन वहाँ पर कब्रिस्ताना बनाए जाए और जो जो कब्रिस्तानों में कब्जे करके बैठे हैं वो लोगों को वहाँ से हटाया जाए, वरना याद रखिए आने वाला वक्त बहुत आजाब लेके आएगा और जब आप ये वक्त निकल जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अफसोस करते रहेंगे। नाजरीन, ये लड़ाई किसी के घर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, इसे हर किसी को सामने आना चाहिए। और जिस तरह से मोहम्मद खादर ने भूख हड़ताल पे बैठे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, वैसे ही हमें आगे आना चाहिए। ऐसे MLOs के खिलाफ, ऐसे MPOs के खिलाफ, ऐसे मिनिस्टरों के खिलाफ, ऐसे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और ऐसे हुकूमत के खोखले पॉलिसियों के खिलाफ, तभी जाकर हम हमारी बची हुई जमीन और हमारी बची हुई इज्जत को बचा सकते हैं। वरना याद रखें कि ये सारे लैंड ग्रैबर्स कब्जे कर चुके होंगे और आगे चलकर लड़ाई इस बात की होगी कि पहले हम दफनाएंगे। नाज़रीन, जरूरत है ये बस इस बात को सोचने की, समझने की और ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम शुरू करने की। देखते हैं कि हुकूमत तेलंगाना इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। हमीद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मेरा नाम मोहम्मद खादर, PRS एक्स स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल। यहाँ पर हम लोग कब्रिस्तान या बुकरताल पे बैठने का मतलब ये है कि आज DK पुरम, बहल्स कॉलोनी, शमा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, किंग्स कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, रिजवान कॉलोनी, यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है। इसी वजह से आज यहाँ पर बैठना पड़ा हम लोगों को कि यहाँ पर लक्ष्मीगुड़ा और जयपल्ली में गवर्नमेंट लैंड और वक्फ बोर्ड की लैंड है। हम तेलंगाना स्टेट की गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप हमें कुछ जगह बताइए, हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पर कब्रिस्तान की वजह से। क्या आप लोगों ने किसी को रिप्रेजेंट किया था? हाँ, यहाँ पर हमारे सोसाइटी के मेंबर्स कलेक्टर के पास, MLA के पास बहुत जगह जाकर फिर आखिरी में यहाँ पर आके बैठना पड़ा। बहुत कोशिश करें, MLO के पास गए थे, बहुत सारे जगह जाकर फिर आखिरी में ये कदम हमारे को उठाना पड़ा। आपके MLA साहब क्या बोले? अभी MLA साहब तो यहाँ पर आए नहीं, दो दिन से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपके MLA साहब का? प्रकाश गौड़। अभी वो अभी तक नहीं आए? वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। एक कांग्रेस के एक लीडर आए थे सानिंग सिंह और गौड़, उन्होंने बोले हम लोग भी आपको सपोर्ट रहेंगे। बोलिए बोले थे और कुछ कॉर्पोरेटर सारे MIM के भी कॉर्पोरेटर, KRS के भी कॉर्पोरेटर आएंगे यहाँ पर। बोले तो फोन करके हम लोग भी आएंगे। और कब तक बैठेंगे आप? जब तक सैंक्शन नहीं करा जब तक बैठने का है भूख हड़ताल। जब तक कितने आदमी बैठे आप लोग? मैं अकेला बैठा हूँ फिलहाल अभी तो। जी, आपके साथ कितने लोग हैं अभी? यहाँ पर पूरी जितनी मुगल्स कॉलोनी की, DK पुरम की आवाम पूरी है। हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाह रहे, यहाँ पर बुला के काम छोड़ के यहाँ पर बिठाना नहीं चाह रहे थे। इसी वजह से हमारे को अकेले को मैं अकेला बैठना पड़ा था। नहीं तो सारे लोग बोल रहे थे कि बैठेंगे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, किसी को बैठना नहीं है, काम छोड़ के किसी को आना नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अगर कोशिश में कामयाब होंगे तो हम लोग सब एक साथ मिलेंगे। और आगे कब तक बैठने का है? इंशाल्लाह जब तक सैंक्शन नहीं हुआ जब तक बैठने का है। अब हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? KCR गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट से हम यही चाह रहे हैं कि हमारे को बंदोबस्त करे कब्रिस्तान की ज़मीन के वास्ते। ऑलरेडी कब्रिस्तान की ज़मीन के वास्ते गवर्नमेंट लैंड्स है यहाँ पर, नहीं है बोलते राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी गवर्नमेंट लैंड्स है। फिर हम इतना चाहते हैं कि हमारे वास्ते हमारे को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर करने के वास्ते ये कब्रिस्तान के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए। अगर आप जितनी भी दे देंगे हम ले लेंगे। मारो साहब के पास गए, कलेक्टर साहब के पास गए, जिसके ऑफिसरा के पास आ गए, 6 साल पहले की बात है। लीडर के साथ ये सर्वे नंबर के साथ ये कोई इसको हमारे
कोई एक्शन नहीं लिए, कोई जिम्मेदारी से हम आपको कोई जगह बताए नहीं, खाली जाए बता दीजिए तो सिर्फ अच्छी बात है। बोले एमओआर साहब भी अच्छी बात है, बोले कलेक्टर साहब भी अच्छे बात, इतने बड़े बड़े ऑफिस आना अच्छी बात है बोलने के बाद भी हमको 6 साल गुजर गए आज तक एक गज जबन हमको नहीं बताया। हमको यहाँ है ओडमगढ़े में छोटा खबर, पूरे कितने महिले हैं यहाँ, कितने बस्तियाँ हैं यहाँ पे? ओडमगढ़ा पूरा है, कम से कम हजारों आदमी हैं यहाँ पे। बस्तियाँ कितने? 6-7-8 बस्तियाँ आजू बाजू में जी। खबरस्तान कितने थे बस्तियों? एक ही खबरस्तान छोटा सा है जी। अब उसमें आवाम बढ़ गई जी, पहले गाँव के हिसाब से था तो बस हो रहा था, बाहर आदमी वहाँ पे बोले तो नामुमकिन बात है दफन होना, दिल में जैसा गाँव को लेके चले जैसे खर्चा कर लेके गाड़ा मंगा लेके, अगर मजबूर है तो कॉलेज गेट के पास गाड़ दे रहे, कुछ जगह सही है नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता। अब हुकूमत से क्या चाह रहे आप? अब हमको ज़मीन होना खबरस्तान जाओ, हमको घर बिल्डिंग नहीं होना, हम मरने के बाद दफन होने के बाद हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होना, हम लेकर दफना हमारे बाप को कहाँ दफनाना, बोल के बच्चों को तकलीफ नहीं होने की वजह से हमें ये काम आखिरी में ये काम करना पड़ा। खादर साहब यहाँ पे वक्फ लैंड है, यहाँ पर वक्फ लैंड है, यहाँ पर वक्फ लैंड यहाँ पर है, हमारे पास जी गवर्नमेंट लैंड जी लक्ष्मीपुरा जलपली में है बोल के बोल रहे बोले सर्वे नंबर है हमारे पास, 1-3 सर्वे नंबर है जी। बोल कलेक्टर साहब भी लेटर पे इसका मार के दिए हम करेंगे बोल, 6 साल गुजर गए हुकूमत आगे 400 होगा, 5वां साल रनिंग है, उससे पहले 2 साल चले जो हमारे कारपेंटर के साहब के वालिद हमारे पास गए, हमारे साहब से आधा घंटा बात करें उन्होंने, फिर हुकूमत में आने के बाद हम जाके बोल चुके एमएलए साहब के पास जाओ बोले, एमएलए साहब के पास गए तो अच्छी बात है बोले ख़त्म, आखिरी में हमारी मजबूरी है कदम उठाना पड़ा। एमएलए साहब का मकान तो करीब में ही है, वो नहीं आया अभी तक, मेरा साहब है कारपेंटर साहब है कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई पूछे नहीं, कोई देख रहे पूछने के आगे बस्ती में आए के नहीं देखे, 4 साल गुजर गए 5वां साल चल रहा। ठीक है आप भूख हड़ताल कब तक बैठेंगे आप? हमको हमारा मसला हल हुआ तो हो जाता, हम काट जाता, हमको जिम्मेदारी लेके हमको देते हमारे देते वो लोग हम उठ जाते, हमारा क्या है वो जीते हमारे, हम मरने के बाद हमारे को हम बोल रहे हमारा बार बार बच्चों को तकलीफ नहीं होना कि हमारे बाप को हम आपको कहाँ ले जाना, गड़े में तो नहीं डाल सकते, समंदर में तो नहीं डाल सकते, तालाब में तो नहीं डाल सकते, जला तो नहीं सकते हमारे, बस हमको ज़मीन होना, बस आप गुजारिश है हमारा रिक्वेस्ट है आपसे बार बार ये बोलो हमको ज़मीन का मसला हल करो, जो भी देना चाह रहे आप लोग हम जहाँ भी देना चाहते हैं हमको मंजूर। शहर हैदराबाद का एक मायानाज नाम गुज़िश्ता 10 सालों से अवाम की खिदमत के लिए मशहूर सुप्रीम एयर ट्रैवल सर्विसेस, लंदन अमेरिका होके गल्फ वीजा टिकट और उम्रे की बेहतरीन सहूलियात, 5-star हो या इकोनॉमी, एक मर्तबा खिदमत का मौका दे सुप्रीम एयर ट्रैवल सर्विसेस, रब्त पैदा करें 888-555-6786 अकब हजाउस नामपल्ली।